कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 60 में एक बड़ा हादसा पेश आया। ये हादसा 3x1 गोराचंद का है, जहां एक इमारत की चौथी मंजिल की सीढ़ी अचानक से गिर गई, जिसमें एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में कई और लोग भी जख्मी हुए हैं, पर अच्छी बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस घटना की खबर पाते ही बेनिया फुकुर थाने की पुलिस और वार्ड के काउंसलर कैसर जमीर मौके पर पहुंचे, जहां चार मंजिल पर फंसे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए मुहिम शुरू की गई। इस मौके पर कैसर जमील ने कहा कि यह इमारत काफ़ी पुरानी है, लोगों की जान बचाने के लिए इस इमारत को तोड़कर नई सिरे से बिल्डिंग की तामीर की जाएगी। बिल्डिंग में रहने वाले और स्थानीय लोगों का भी कहना है, बिल्डिंग काफ़ी खस्ताहाली का शिकार है, लोगों में इसको लेकर डर का माहौल है। आइए देखते हैं आगे की खबर। तोड़कर फिर से बनाना होगा, वरना फिर से कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। मुकामी लोगों का कहना है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है, आने वाले दिन में कोई बड़ा हादसा होने का डर है। लोगों ने बताया कि बिल्डिंग की मरम्मत के लिए बाड़ी वाली ने इसके सभी किरायेदारों से 5,000 रुपए लिए थे। उस पैसे से उन्होंने बिल्डिंग के सिर्फ बाहरी हिस्से की मरम्मत करवाई, लेकिन अंदर से कोई काम नहीं करवाया और वैसे ही छोड़ दिया। इसके चलते आज ये हादसा हुआ है और आगे भी खतरा बना हुआ है। बिल्डिंग की जर्जर स्थिति के चलते न सिर्फ इसमें रहने वाले लोग बल्कि आसपास के लोग भी बेहद डरे हुए हैं। अभी हम लोगों का कोई आदमी उतर रहा था बिल्डिंग का, वो आदमी उतरते उतरते एक तीन छह दो तल्ला से तीन तल्ला सीढ़ी उठ रही है, वो सीढ़ी पूरा उनके ऊपर गिरा, उसके ऊपर साइड से जो दो तल्ला का पांचीर होता है वो भी गिरा, उसका वजह उसका पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया और पैर का हड्डी अलग हो गया, नस वो अलग हो गया। मेरे ख्याल से वो पैर उसका काम का नहीं रहेगा, कट जाएगा उसका पैर। ये चीज़ बहुत दिन से बोला जा रहा है कि इसको ठीक कीजिए। हम लोग का तीन तल्ला में घर है, तीन तल्ला से पानी पसीजता बोलते हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी से नहीं, करीबन 8-10 साल से ये चीज़ प्रॉब्लम है, ऐसा हालत है। वो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग से आदमी नुकसान ही होगा, इससे पहले भी हुआ है, अब फिर हो जाएगा। 5,000 का छत में अभी कम से कम 100 से ज़्यादा आदमी मिलेगा, सब फंसे हुए आदमी है। मेरा परिवार में कम से कम 20-25 आदमी हो जाएगा मेरा परिवार में। घर में कौन से पहुँचे हमारे? नहीं, अभी नहीं आए, वो अभी आ रहे, उनका भी फ़ोन किया गया, उनको भी वहाँ भी फ़ोन किया गया, वहाँ से भी आदमी आने वाले हैं, वहाँ भी बताया जाएगा कहाँ ऐसा ऐसा ये है। ये 3 गोरा चाल लाइन है, कलकत्ता 17 है, ये 60 वार्ड है, कलकत्ता 14 है, ये कलकत्ता 14 है, रजिया बारी वाली। हाँ, कंप्लेन किए सबको, पैसा भी लिया है ये लोग रिपेयरिंग करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए जो बाहर से रिपेयरिंग हुआ और अंदर से नहीं हुआ इसके लिए। जी, बाहर से रिपेयरिंग हुआ पर अंदर से कुछ नहीं हुआ, अंदर पूरे डैमेज हालत है, वैसे छोड़ दिया गया। हाँ, 5,000 करके लिया गया है पर टेनेंट, पर बाहर से यही रिपेयरिंग हुआ जो आपको नजर आ रहा है। कहना का है बहुत डेंजर है बिल्डिंग, आज का 1992 का है बिल्डिंग, और फिर यहाँ पर हमेशा जितने टेनेंट है वो कंप्लेन करता था बार बार कि इसको रिपेयरिंग कीजिए, उसका रॉड फॉट सब मालूम दे रहा है, तो वो थोड़ा सा गिरा। अभी अगर इसको अभी इमीडिएट उसको डेमोलिश नहीं करके अगर नया से नहीं बनाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो एक आदमी उन्डेट हुआ, बाद में बहुत आदमी ये हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कलकत्ता कॉरपोरेशन का कंट्रोल डिपार्टमेंट में उसका इंजीनियर था, उससे भी बात हुआ, वो लोग आ रहा है, वो टेक्निकल हिसाब से लोग देखेगा, फायर ब्रिगेड भी आ रहा है, लोकल थाना वही बता लिया, एक्शन लिया। अभी कंट्रोल रूम में फ़ोन किया है, वहाँ इंजीनियर से बात हुआ, वो आएगा अभी आके देखेगा बिल्डिंग का जो हालात है। हम तो एक्चुअली टेक्निकल पॉइंट में लोग डिसीजन लेगा क्या करेगा, तो हम लोग के हिसाब से उसको इमीडिएट डिमोलिश करने होगा, वो और नहीं चलेगा। और जो आदमी ऊपर में है दमकल को खबर किया है कि वो आके उसको रेस्क्यू करे, उसको उतारे, उसके बाद उसको नया तरह से या जो इंजीनियर बोलेगा वो हिसाब से उसको काम करना हो, लेकिन वो जो अभी है वो नहीं चलेगा, उसको हट तोड़ने हो, डेमोलिश करना हो। जो सिस्टम है, जो बेनिफिट है वो मिलेगा जरूर, उसको ज़रूर मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। और फिर जो जिसका बिल्डिंग है, जो बाड़ियाली है, उसका लड़की आई थी, उसको हम लोग बोला कि भाई इसको आप लोग देखिए, अस्पताल में हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसका बाकी जो खर्चा होगा या उसका जो ट्रीटमेंट होगा ये आपको करना होगा। लेकिन ये बोल बुलाए बात है, ऐसा कि कोई ऐसा कागज ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग टेनेंट है वो बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा दिया था, चंदा उठाकर इसको रिपेयरिंग किए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिस वजह से आज ये हादसा हुआ। हम लोग बताएंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो बोरोस्किस का जो इंजीनियर है, उनको इसके बारे में एक रिपोर्ट देंगे, वो अपना पूरा तहकीकात करेगा, और साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन, इस टाइप का कोई अगर बिल्डिंग आ रहा है तो उसको इमीडिएटली उसका एक्शन लेंगे।
अगर वो डिलेपिडेट कंडीशन है उसको रिपेयरिंग करेंगे या डेमोलिश करेंगे? डेमोलिश लोग बताएंगे, जो हमारा डिपार्टमेंट है जो बोरोस्किस के जो इंजीनियर है उनको इसके बारे में एक रिपोर्ट देंगे, वो अपना पूरा तहकीकात करेगा और साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन इस टाइप का कोई अगर बिल्डिंग आ रहा है तो उसको इमीडिएटली उसका एक्शन लेंगे। अगर वो डिलेपिडेट कंडीशन है उसको रिपेयरिंग करेंगे या डेमोलिश करेंगे?